मैं हूं सैयद तौसीफ अली और आप देख रहे हैं औरंगाबाद समाचार। आज 11 फरवरी 2020 जो कि दिल्ली चुनाव के नतीजों का दिन था, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में तीसरी बार सीएम पद के उम्मीदवार थे अरविंद केजरीवाल और तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। 63 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी अभी सबसे आगे चल रही है। चलने का सवाल ही नहीं आता क्योंकि अब वक्त ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं और रिजल्ट डिक्लेयर होने में है। तो भाजपा का जो अंतर रहा है वो 7 सीटों पर अभी भाजपा काबिज है। 4 सीट की बढ़ोतरी हुई है, पता नहीं क्या मुद्दा है, 4 सीट पर बढ़ोतरी के क्या वजूहत है जानने की कोशिश करेंगे। आज सिल्लोर शहर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ पर जल्लोश और आतिशबाजी से अरविंद केजरीवाल की जीत का स्वागत कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की जीत में शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ दिल्ली की सड़कों पर 6,500 से ज़्यादा भाजपा की रैली हुई, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने ही नुक्कड़ों पर तक अपनी मीटिंग ली और प्रचार बीजेपी का किया। साथ ही साथ बीजेपी ने पाकिस्तान, शाहीन बाग, आर्टिकल 370 और मुगलों का राज आएगा, इस तरीके की कई बातें की और कई ऐसे नारे किए जो देश को तोड़ने का काम करते, इस तरीके की बात भाजपा ने की। और आज दिल्ली के नतीजे ये साबित करते हैं कि भारतीय नागरिक सिर्फ और सिर्फ सेक्युलरिज्म, समानता, इक्वालिटी और विकास को आगे ले जाना चाहते हैं। विकास जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, विकास जो शैक्षणिक क्षेत्र में हो, और फ्री बिजली और फ्री पानी की जो बात की जाती है, फ्री वाटर और फ्री इलेक्ट्रिसिटी की, उस बात पर आज दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई है और आम आदमी पार्टी को जिताया है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो अरविंद केजरीवाल की जीत में किस तरीके से शामिल होना चाहते हैं। आज जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो ऐतिहासिक जीत हासिल की है, तीसरी बार हासिल की है, और इनके खिलाफ भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी थी और पंतप्रधान मोदी और उनके अमित शाह इन्होंने पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन फिर भी वो केजरीवाल को हरा नहीं पाए क्योंकि केजरीवाल ने शुरू से विकास के मुद्दे पर और सामान्य आदमी के मुद्दे पर और गोर गरीब लोगों के लिए काम किया था। और विकास के मुद्दे पर अगर कोई इलेक्शन लड़ता है तो भारत की जनता ने देख लिया कि उसे कोई हरा नहीं सकता। तो हम सिल्लोड़ वाले पूरे आवाम को और पूरे भारतवासियों को हम ऐसा जाहिर आह्वान करना चाहते हैं कि आज इसके बाद यहाँ से एक नया जो दौर चलेगा, ये विकास के मुद्दे पे चलेगा, विकास के मुद्दे पे राजनीति होगी, कोई जाति पे, पाति पे और धर्म पे राजनीति चलेगी नहीं। और लोग आप समझ चुके कि दो लोगों को, दो समाज को लड़ाने का जो काम चल रहा है, यहाँ से आप लोगों से मंजूर नहीं करेंगे और विकास के मुद्दे पर जो वोट मांगेगा उसे ही लोग चुनकर देंगे। तो यहाँ से सिल्लोड़ में भी यही राजनीति हम लाने की कोशिश करेंगे और विकास के मुद्दे पे काम करेंगे और विकास क्या होता है दिल्ली से लेकर सिल्लोड़ तक हम करके दिखाएंगे। संपूर्ण देशामध्ये आम आदमी पक्षाच्या माध्यमातून एक आनंदाचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे आणि दिल्लीच्या तत्वर भारताच्या शिरपेचामध्ये, भारताच्या राजनागरीमध्ये आम
आम आदमी पक्षाने तिसऱ्यांदाच येत मानाचा शिरपेच रोवलेला आहे आणि निश्चितच या बदलत्या परिस्थितीमध्ये की भाजपाने एकाधिकारशाहीकडे आणि हुकुमशाहीकडे वळून एखादी एजेंडा वेगवेगळे जातीचे मुद्दे समोर करून हिंदुत्वाचे मुद्दे समोर करून आणि त्यांचा पारंपरिक जो मुद्दा आहे पाकिस्तान बांगलादेश अफगाणिस्तान आणि आतंकवाद नक्षलवाद हे जे मुद्दे आहेत ह्या मुद्द्याला सपशेल खतपाणी घालण्याचं काम भाजपाने केलं होतं आणि ह्या मुद्द्याचं हल्ला जे दिल्लीच्या आम आदमीने जे त्या ठिकाणी त्यांना नायनाट केलेलं आहे आणि निश्चितच दिल्लीच्या जनतेने त्या ठिकाणी विकासाच्या मुद्द्याला द्विजयी केलेलं आहे आणि भारतामध्ये नव्हेच तर संपूर्ण देशामध्ये एक ऐतिहासिक असा संदेश पोहोचलेला आहे की यापुढे भारतामध्ये जे निवडणूक होतील भाजपा यानंतर पुढे देखील भाजपाने त्यांच्या पद्धतीने जातीचं आणि तोडा आणि फोडाचं राजकारण करत बसावं परंतु देशातील जनता आणि विशेषतः दिल्लीतील जनता यांनी विकासाला मतदान केलेलं आहे आणि भाजपाचा जो एजेंडा होता सीएच्या माध्यमातून असेल हिंदू मुस्लिमच्या माध्यमातून असेल किंवा पाकिस्तान अफगाणिस्तान हे तिथे आमचं पारंपरिक जे एजेंडा आहे या एजेंडाला समूळ नायनाट करण्याचं काम दिल्लीच्या जनतेने केलेलं आहे. निश्चितच अरविंदजी केजरीवाल साहेबांनी संपूर्ण देशाला आणि एवढंच नाही तर आगामी निवडणूक ज्या ज्या प्रदेशामध्ये होतील या ठिकाणी एक संदेश दिलेला आहे की विकासाच्या मुद्द्याला या ठिकाणी देशाची जनता ही पुढे नेणार आहे. ये थे आम आदमी के कार्यकर्ताओं जिन्होंने हमें बताया कि अरविंद केजरीवाल की जीत सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर हुई. कैमरामैन शेख कैफ के साथ सैयद तौसीफ अली, औरंगाबाद समाचार, सिल्लोड.